सो बच्चे जो नेक्स्ट असी आइडेंटिटी करन जा रहे हैं वो आइडेंटिटी आइडेंटी नंबर फोर आइडेंटिटी नंबर सिक्स सॉरी आइडेंटिटी नंबर सिक्स इज एक्स प्लस वाई होल क्यूब। ओके एक्स प्लस वाई होल क्यूब। सो एक्स प्लस वाई होल क्यूब की है ऐसे जिस तरह आप स्क्वेयर खोलते सी इसी तरह असी क्यूब खोलेंगे बस थोड़ा ही डिफरेंस होएगा की होएगा सब तो पहले फर्स्ट दो टर्म्स का सेपरेटली असी क्यूब कर देंगे क्लियर। फिर तुसी लिखना है 3xy और जो ब्रैकेट है वो लिखनी है x प्लस वाई। ठीक है बच्चे सो दिस इज अ फॉर्मूला दिस इज एक्सपेंशन ऑफ दिस क्यूब। ओके अगर इतने माइनस है x की जगह माइनस है प्लस की जगह माइनस है तो तुसी लिख सकते हो सेम इसी तरह x क्यूब माइनस y क्यूब माइनस 3xy और x माइनस वाई। क्लियर माइनस दे विच बाकी सारे साइन माइनस दे प्लस दे विच सारे साइन प्लस दे बस एदे विच इन्ना तुसी याद रखना क्यूबिक और क्यूबिक x प्लस प्लस वाई क्यूबिक x माइनस वाई। ठीक है बच्चे चलो इहदे नाल दे क्वेश्चन असी देखते हैं। हाँ एक होर चीज याद रखो इहनूं असी एक्सपैंड कर सकते हैं होर क्योंकि जो तुसी इहनूं इन्ना मल्टीप्लाई करोगे और इहनूं इन्ना मल्टीप्लाई करोगे तो एक्सपैंड हो गए पूरा प्रोपर तेरे को एक्सपेंशन की फॉर्म आ जाएगी। क्लीयर सो फॉर्मूला याद रखने वास्ते आ इन्ना तो बहुत है इन्ना का काफ़ी है वास्ते। एग्जाम्पल नंबर 22 करते हैं एग्जाम्पल नंबर 22 पे नंबर साढ़े को 47 पे नंबर 47 उत्ते करते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है बच्चे 3a + 4bq। ठीक है इन्हें एक्सपैंड करते हैं सो दिस इज अ क्यूब आ रहा है ना क्यूब आ रहा है इट मीन लगेगा फॉर्मूला तो ए फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे पहला की है पहले दोनों टर्म का सेपरेटली क्यूब करना है इट मीन इतने पहली टर्म की है 3a का क्यूब कर दो इतने 4b है 4b का क्यूब कर दो फिर उसके बाद की कह रहे हैं 3 लगाने लगाना है फिर फर्स्ट टर्म तो वाई फर्स्ट टर्म और सैकेंड टर्म को मल्टीप्लाई करना है सो फर्स्ट टर्म इतने की है 3a सैकेंड टर्म की है इतने 4b फिर की है उसके बाद ब्रैकेट उसे इधर आ जाएंगे ब्रैकेट की है 3a + 4b। सो दिस इज एप्लीकेशन ऑफ आइडेंटिटी दिस। ठीक है बच्चे हमने क्यूब करोगे देखो क्यूब करोगे तो 3 का क्यूब और a का क्यूब दोनों का होएगा 3 का 3 वाली क्यूब करो 3 का 3 टू 3 वाली मल्टीप्लाई करोगे यू विल हैव 27 और a का क्यूब a क्यूब आ जाएगा। क्लियर उसके बाद 4 करोगे 64 आएगा 4 4 16 64 64 64 64 b³। ठीक है बच्चे हूँ इन्हें मल्टीप्लाई कर लो अपन 3 3 9 9 4 36 सो 36 a b 3 a + 4 b। ठीक है बच्चे सो आगे आ गया 27 a³ + 64 b³ + हूँ बच्चे इतना मल्टीप्लाई होएगा 36 नो 3 ना मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 108 नाल की है ab पर इथे एक और a हैगा नाल दे सो a और a मल्टीप्लाई हो गए a स्क्वायर बन जाएगा b कल्ला तो b आ गया। क्लियर तुसी इनु इतना मल्टीप्लाई किया हुन असी इनु इतना मल्टीप्लाई करांगे 36 नो 4 ना मल्टीप्लाई करोगे कितना बनेगा 144 ab पर b दा स्क्वायर हो जाएगा क्यों क्योंकि b थेगा भी दो बारी मल्टीप्लाई हुआ सो दिस इज द एक्सपेंशन एक्सपेंशन ऑफ दिस। हाँ जी आंसर बिल्कुल ठीक है सो दिस इज द आंसर। सो सिमिलरली सेकंड पार्ट है फर्स्ट पार्ट सी नाउ वी विल डिस्कस सेकंड पार्ट ऑफ 20 एग्जांपल नंबर 22 सेकंड पार्ट की कह रहे हैं बच्चे देखो जरा सेकंड पार्ट कह रहे हैं 5q - 3q³। हाँ जी बच्चे हूँ इतने के माइनस है ना तो आप माइनस वाला लगा देंगे ए वाली सैकेंड आइडेंटिटी हूँ लगावे ए वाली आइडेंटिटी लगावे इतने अप्लाई करो की आएगा 5q³ तो मैं क्या जो माइनस हो तो सारे साइन माइनस दे 3q³ - की आएगा 3 लगेगा फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई कितना करना
फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया सी सेकंड टर्म के नाल उसके बाद किया ब्रैकेट सेम आ जाएगी 5q-3q सॉरी p है सॉरी इसके बच्चे p है हियर इज अ p नॉट q p है इतने p आएगा इतने भी p हियर p है सो बच्चे सेकंड पार्ट दे विच की है 5p-3q पावर q 5p तू अपा इस तरीके दे नाल एक्सपेंड कर देता एस सब नु इस तरह एक्सपेंड करता हूं इसको सॉल्व करेंगे 5 दी पावर की आएगी 5 दी पावर 3 है तो की बनेगा 125 pq माइनस 27 qq 3 को 3 बाय मल्टीप्लाई करोगे फिर ले लूं 3 5 जा 15 53 जा 45 45 p एंड q नाल आ गया 5p-3q ठीक है बच्चे हूँ देखिए आएगा 125 पी क्यूब माइनस 27 क्यू क्यूब 45 टू 5 मल्टीप्लाई करो कितना आएगा बच्चे 22 पी क्यू पी दिस की हो जाएगा क्योंकि पी तो दो बारी आ गया ना दो बारी मल्टीप्लाई होगा उस तो बाद है माइनस नाल मल्टीप्लाई होगा तो प्लस होएगा 45 टू 3 ना करोगे मल्टीप्लाई है ना 135 पी एंड इतने क्यू दी स्केल होएगा क्यों क्यू दो बारी है क्यू मल्टीप्लाई हो रहा है इस करके आएगा सो दिस इज एक्सपेंशन ऑफ दिस 27 125 पी क्यू क्लियर सो दिस इज द सेकंड पार्ट